पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि, सदैव अटल स्मृति स्थल पर प्रार्थना सभा। तो देखिए, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री ने शिरकत की है। संगीतमय श्रद्धांजलि दे रहे थे। देखिए, आपको तस्वीरें भी हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कुछ ही देर में यहाँ पर, क्योंकि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज चौथी पुण्यतिथि। और देखिए, प्रधानमंत्री ना सिर्फ बीजेपी बल्कि माननीय राष्ट्रपति, विपक्ष भी पधारने वाले हैं। उनका कायल था एक तरह से, जिस तरह की रक्षा मंत्री पर्सनैलिटी अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री श्री अमित शाह, जिस तरह का मार्गदर्शन उनका रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनके चाहने वाले ना सिर्फ विपक्ष, श्री जेपी नड्डा जी भी पधार चुके हैं। मैं सामने की दीर्घा के सभी गणमान्यों से एक बार फिर से आग्रह करूंगी कि पुष्पांजलि के लिए आप लोग तभी यहाँ पर पधारें जब माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करेंगे तब। जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान को जोड़ना श्रद्धेय अटल जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें जय अनुसंधान भी जोड़ दिया। पूर्व राष्ट्रपति जी माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी भी यहां पर पधार चुके हैं। ऐसे युग पुरुष अटल जी की तरह हमेशा जिंदा रहते हैं, अपने आदर्श त्याग सेवा कार्यों से जिंदा रहते हैं। भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी का एक ही सपना रहा कि हमारा भारत देश, जो विश्व गुरु की गरिमा रखता है, जहां राम राज्य स्थापित हो, जन जीवन में सत्य महकता हो। विवेक कहते थे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हो चुका है और हमें इंतजार है माननीय उपराष्ट्रपति जी का और माननीय राष्ट्रपति जी का। श्रद्धेय अटल जी की नजर में गवर्नेंस की गुणवत्ता, जनसेवा तथा राष्ट्रहित सर्वोपरि थे। वे सिर्फ एक ताकत थी, जनसेवा, जो कि उनके भीतर काम करती थी, राष्ट्र प्रथम की जिद काम करती थी। यही अटल मंत्र न्यू इंडिया हृदय में संजोए विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अटल जी के आदर्श न्यू इंडिया के अटल संकल्प बन गए हैं। श्रद्धेय अटल जी ने कभी भी आदर्शों से समझौता नहीं किया, सिद्धांतों पर सदैव अटल रहे, आदर्शों के अटल सूत्रधार रहे। लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी, देश सम्मान के लिए हिमालय के समान अटल। वे कहते थे, स्वप्न देखा था कभी जो, आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। एक नया भारत के जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो, जो प्रगति से जोड़ दे, ऐसी सड़क चाहिए, देश सारा गा सके वह गीत, गाना है चाहिए। एक नया संगीत देखो, आज तो कण कण में है, एक नया भारत बनाने का इरादा
मन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके निधन पर कहा था, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से एक युग का अंत हो गया। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। मेरे लिए अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया उठने जैसा है। अटल जी का ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी व्यक्तित्व सदा हम देशवासियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। श्रद्धेय अटल जी प्रचंड राष्ट्रभक्ति और अभूतपूर्व साहस का साक्षात रूप थे। वरदायिनी हंस वाहिनी माँ शारदा के वरद पुत्र संवेदनशील कवि श्रद्धेय अटल जी की आज चौथी पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति महोदय का भी आगमन हो चुका है और माननीय राष्ट्रपति महोदया बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए। श्रद्धेय अटल जी शब्दों का चयन और उनका सदा हुआ प्रभावी प्रयोग, उपमाओं, मुहावरों, सूक्तियों के नग, किसी भी दृश्य का शब्द चित्र प्रस्तुत करने का कौशल, हास्य के बीच विशिष्ट व्यंग शैली बहुत अद्भुत थी उनकी। श्रद्धेय अटल जी हिंदी भारती के उपासक थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 बार हिंदी में उनके भाषण उनकी इसी उपासना के ज्वलंत उदाहरण है। भावपूर्ण कविताओं, विचार प्रधान गद्य ग्रंथों और दैनिक साप्ताहिक पत्रों के संपादन द्वारा वीणा वादिनी के चरणों में उन्होंने अनेक सुगंधित पुष्प भेंट किए। वे सच्चे समर्पित समाज सेवक थे, भारत माता के सच्चे पुजारी थे। उनकी काव्य पंक्ति देखिए, क्या सोचते हैं वो, हर 25 दिसंबर को जीने की नई सीढ़ी चढ़ता हूँ, हर 25 दिसंबर को जीने की नई सीढ़ी चढ़ता हूँ, नए मोड़ पर औरों से कम स्वयं से ज्यादा लड़ता हूँ। मन का संतोष कविता में कहें तो अटल जी का मानना था, अंतिम यात्रा के अवसर पर विदा की वेला में जब सबका साथ छूटने लगता है, शरीर भी साथ नहीं देता है, तब आत्मग्लानी से मुक्त यदि कोई हाथ उठाकर ये कह सकता है कि उसने जीवन में जो कुछ भी किया सही समझकर किया, सहज कर्म समझकर किया, तो उसका अस्तित्व सार्थक है। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत यद्यपि चला गया पग पग में। ऐसे विराट पुरुष को हमारा बारंबार नमन। आज अतीत की कितनी ही स्मृतियां भीगी हुई हैं इस बरसात के मौसम में। भारत माता भी उस दिन शोकमग्न थी जब उसका लाडला खो गया था, उसका पुजारी सो गया था। शांति अशांत थी कि उसका रक्षक चला गया, जलजन की आंखों का तारा टूट गया। वे शांति के पुजारी थे किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने के हिमायती थे। वह व्यक्तित्व, वो जिंदा दिली उनके महान आदर्शों के प्रति, उनकी प्रामाणिकता के प्रति, उनकी देशभक्ति के प्रति, उनके अटूट साहस और दुर्दम्य धैर्य के प्रति हमारे हृदयों में आदर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ओ प्रीति रीति के सौंद शिखर, किसी कवि ने उनके बारे में कहा है कि ओ प्रीति रीति के सौंद शिखर, ओ शांति समर के क्रांति दूत, ओ राष्ट्र धर्म की संस्कृति की निष्ठाओं के प्रणबल अकूत, थे अटल कहो फिर किस कारण तुम हमें छोड़कर चले गए, थे अटल कहो फिर किस कारण तुम हमें छोड़कर चले गए, क्यों कर आशा विश्वास भरे अंतस झिंझोड़ कर चले गए, अवरुद्ध कंठ के विदा गीत लोहित ललाम स्वीकार करो, हर विहल मानस के अंतिम वंदन प्रणाम स्वीकार करो, अंतिम वंदन प्रणाम स्वीकार करो। उनकी मौलिकता के संबंध में एक आलेख में कहा गया है कि उनका कहीं पर भी होना एहसास है, उनका कहीं पर भी दिखना विश्वास है, उनका कहीं पर चलना निस्वार्थ है, उनका कहीं पर बोलना साहित्य है, उनका कहीं पर रहना परिवार है। वे स्वयं में एक संदेश थे, यथा नाम तथा गुण।
माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर पधार चुके हैं इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी अब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति महोदया और उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी। आज अटल जी की बहुत याद आ रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदया इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने पधारी हैं। सबसे पहले उनके कर कमलों द्वारा श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। आज श्रद्धेय अटल जी की बहुत याद आ रही है। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। सचमुच कहीं खो गई है वो पवित्र ओस की बूंद। माननीय राष्ट्रपति महोदया अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी को। हमारे दिलों में प्रेरणा की लौ जलाकर श्रद्धेय अटल जी चले गए। ये प्रेरणा जो लौ उन्होंने जगाई है हम सबके हृदय में, वो राष्ट्र प्रेम की मशाल बन गई है और न्यू इंडिया उन्हीं आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया पुनः नतमस्तक श्रद्धेय अटल जी के प्रति। और अब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। राष्ट्रपुरुष, भारत के रत्न, युग पुरुष श्रद्धेय अटल जी को पुष्पमय श्रद्धांजलि माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुष्पांजलि। वे कहते थे कितने पत्थर शेष न कोई जानता, अंतिम कौन पड़ाव नहीं पहचानता, अक्षय सूरज अखंड धरती केवल काया जीती मरती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए श्रद्धेय अटल जी को, भावांजलि, स्मरणांजलि, कार्यांजलि प्रकट कर रहे हैं। और अब पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के द्वारा श्रद्धा सुमन, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री जी। अपूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर फर्स्ट इंडिया भी उन्हें नमन करता है।